तो देखो भाई, मॉडर्न फिजिक्स जो ट्रैक चालू कर रहे हैं उसमें 5 चैप्टर है ना, हम 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे इसमें। पहला हम सबसे पढ़ने वाले हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एनसीईआरटी में नाम से वो ड्यूअल नेचर ऑफ समथिंग समथिंग करके है, देख लेना है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई बोर्स मॉडल करके ना, एटॉमिक फिजिक्स बोलते हैं, या फिर उसमें हम एटम्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, बोर्स मॉडल भी बोल सकते हैं इसमें ना। उसके बाद हमारा है एक्सरेज, छोटा सा है, उसको अलग चैप्टर मान लो, सेम मान लो, फर्क नहीं पड़ता है ना। एक्सरेज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बताएं न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे ना। तो न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे एक तरह से दो पार्ट है। एक में हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके। फिर एक में हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे ना, मतलब मैथमेटिकल डिस्कशन होगा ये कि कितने टाइम में कौन डिके करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे से 5 बोल दो, 2 बोल दो, 3 बोल दो, जो मन करे बोल दो। ये पर टॉपिक्स हमारे ना, जो मैं ब्रॉडली डिवाइड करके रखता हूँ ना अपने हिसाब से। देखो सबसे पहले तो देखो, ये क्वांटम फिजिक्स की स्टार्टिंग है ना, ये डेवलप हुई थी अराउंड 1900 की स्टार्टिंग से डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ क्वांटम फिजिक्स। उसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग वाले क्वेश्चन आ ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते बहुत ज्यादा दिमाग वाला कुछ भी ना। तो ये देखो ऐसा है कि मैकेनिक्स तुमने पढ़ लिया, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, सब कर लिए, तब भी श्योरिटी नहीं है कि मैकेनिक्स का क्वेश्चन आएगा तुम कर ही दोगे, कई बार बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट आ जाते हैं ना। इसमें ऐसा है कि अगर तुमने इसको पढ़ लिया, अगर तुमने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो पक्का है 100% है तुम इसका क्वेश्चन कर ही दोगे, इसमें कोई वो नहीं है कि होगा नहीं होगा, जैसा नहीं होता। अगर तुमने पढ़ लिया सारी चीजें कर ली तो पक्का हो ही जाएगा क्वेश्चन, और ये हर एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम्हारा नीट हो, चाहे जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस्ड हो। क्योंकि पिछले कुछ सालों से 5-6 साल से ट्रेंड चल रहा है कि भाई मॉडर्न से वो बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, जितना पहले नहीं पूछते थे उतना आप पूछने लगे, जेई एडवांस में भी पूछने लगे। तो इसका कुछ कुछ रीजन हो सकता है कि वो है ना कि कोचिंग इंडस्ट्रीज बंद करनी है, तो स्कूल्स को प्रमोट करना है। तो ये वो चैप्टर है जो लगभग सभी के लिए बराबर होता है ना एक तरह से, ठीक है। तो इसकी एनसीईआरटी भी तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जो थ्योरी वगैरह वाला पार्ट तुम्हें एक बार जाके पढ़ना पड़ेगा, वो तो तुम पढ़ते ही हो वैसे, समझ में आ रहा है क्या। तो ऐसा नहीं कि अब हमें इसमें पीछे छूट जाना है, हम बाकी सब में आगे हो गए, मैकेनिक्स पढ़ ली, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ ली, ऑप्टिक्स सब पढ़ लिया, इसमें पीछे हो जाए। इसको जनरली 2 क्लास में खत्म कर देते हैं मैक्सिमम जगह, एंड में पढ़ाते हैं 2 क्लास में फटाक से खत्म कर देते हैं, बहुत गलत है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें हर एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये कर लिया तो इसके नंबर पक्के हो जाएंगे हमारे। और पता है ना जेई एडवांस में अभी 35% में सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, 50% लिया है तो 5000 के अंदर रैंक आ गई। तो मॉडर्न फिजिक्स क्वेश्चन क्यों छोड़ना अगर आते हैं। एक और क्या, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स में कॉमन है, बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री में भी है। तो यहाँ तुम फिजिक्स में तैयार करो, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन हो गया तो वो भी तैयार हो गया। तो वेटेज हिसाब से देखो, वैसे तो हम बोलते भाई हम आई टी जे में इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते, हम सारी चीजें अच्छे से पढ़ते हैं ना, पर फिर भी मॉडर्न को एक अलग सा अटेंशन रखना है, इसको ऐसे इग्नोर सा नहीं करना, ठीक है छोटा सा आसान सा है चलो हो गया ये, तो नहीं आसान है तो कर लो ना तैयार, आसान है तो कर लो, पूरा खत्म कर दो, इतना कर दो कि अगर क्वेश्चन आए तो हम कर ही रहे। तो इसलिए ध्यान देना, इसमें ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें समझ में ना आए, अगर तुम सुनोगे तुम सबको समझ में आएगा, मैक्सिमम इसमें फैक्ट्स ही है, ठीक है। और जितना भी समझने वाला जो भी कैलकुलेशन वगैरह पार्ट है वो सारा हम वहाँ पे करेंगे, कंसेप्ट वगैरह सब कवर करेंगे, क्लियर है क्या। तो फिर स्टार्ट करें, तो लिख लो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो ठीक है, लिखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो सबसे पहले तो भाई हम ये क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स में तो लाइट की कहानी है ना। तो अपन स्टार्टिंग करी थी कि सबसे पहले लाइट को रे मानते थे, यूक्लिड वगैरह जो पुराने जमाने में हम लेंस, प्रिज्म, प्रिज्म ये सब करके गए। फिर न्यूटन आया, न्यूटन ने बोला पार्टिकल, आइगन ने बोला वेव, ये सब पढ़ लिया, न्यूटन की बात मान ली गई। उसके बाद 1801 में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, ये भी पढ़ा ना वेव ऑप्टिक्स में। फिर उसने क्या करा, उसने वेव नेचर को डोमिनेट कर गया ना। उसके बाद हम लाइट को क्या मानते थे, वेव। कब तक मानते रहे, लगभग 100 साल होता अगले 1900 तक, 1900 तक है ना। फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 1900 के आसपास जो लिनर्ड ने करके करा था, उस एक्सपेरिमेंट को आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन करा, उसी को हम बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट क्या, तो अभी थोड़ा आगे जाके बताएंगे ना। तो फिर जो भी रिजल्ट आ रहे थे उस एक्सपेरिमेंट के, उनको तुम लाइट को वेव मान के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आइंस्टाइन ने उनको क्या मान के एक्सप्लेन करा, लाइट को उसने माना कि भाई लाइट है फोटोन्स माना, और फोटोन्स क्या है, पार्टिकल्स बोल सकते हैं, एनर्जी के पैकेट्स है। मतलब एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं आती कि भाई गिरे जा रही है, पैकेट्स में आती है एनर्जी, है ना कि जैसे HNU आ गई, 2 HNU आ गई, 3 HNU आ गई, 4 HNU आ गई, एनर्जी पैकेट्स में आती है ना। फोटोन्स मतलब समझो एनर्जी के पैकेट्स। देखो कैसे समझ सकते हो, जैसे अगर तुम पानी डाल रहे हो, मान लो ना तुम्हारा गार्डन है, गार्डन में पानी डाल रहे हो, तो वो तो हो गई कि एक तरह से कंटिन्यूअस गिर रहा है पानी, तो एनर्जी इस तरह से नहीं आती, जैसे पानी गिर रहा है ना गार्डन में कंटिन्यूअस, तो एनर्जी इस तरह से नहीं गिरती, एनर्जी पैकेट्स में गिरती है। तुम समझ लो तुम्हारे पास मतलब पानी के पैकेट है ना, जो आते हैं ना, और तुम ऐसे फेंक रहे हो बलून, मान लो पानी के बलून है, उनको तुम ऐसे फेंक रहे हो, सारे आइडेंटिकल बहुत सारे बलून है, तो अब तुम कंटिन्यूस नहीं डाल रहे ना पानी, मान लो नली से पानी डाल रहे हो तो कंटिन्यूस जा रहा है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. पर तुम पैकेट लेके बलून ले लेके फेंक रहे हो मान लो, तो अब वो पैकेट जा रहे हैं ना पानी के। तो आइंस्टाइन ने बोला जो लाइट है वो पानी की तरह कंटिन्यूस नहीं गिर रही है, वो छोटे छोटे पैकेट्स में आती है, इतनी एनर्जी फेंक दी, फिर इतनी एनर्जी फेंक दी, समझ में आया। उन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी के पैकेट्स को, फोटोन, ये क्लियर है क्या। और भाई फोटोन, अब भाई फोटोन में हमें पता है हमने वेवलेंथ पढ़ी है, फ्रीक्वेंसी पढ़ी है, तो भाई अलग अलग वेवलेंथ की लाइट की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट की अलग अलग एनर्जी होती है, तो वो क्या रिलेशन होता है, फोटोन की एनर्जी क्या होगी, फोटोन के पास मोमेंटम भी होता है, तो फोटोन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। फिर आइंस्टाइन ने क्या एक्सपेरिमेंट था वो लिनर्ड का,
क्या एक्सप्लेन करा फोटोइलेक्ट्रिक में वो अपन थोड़ा आगे जाके देखेंगे, पहले हम फोटोन की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्लियर है क्या? तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फोटोन। सबसे पहले तो फोटोन्स का रेस्ट मास क्या होता है? रेस्ट मास होता है m नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, रेस्ट मास नहीं होता फोटोन्स का कोई भी। जाना चाहते हो चले, कोई ये है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मैंने कहा नहीं है भाई, इसको सिर्फ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक्सप्लेन किया जा सकता है रेस्ट मास क्या होता है। तो हर एक बॉडी होती है उसका जो नॉर्मल मास होता है वो होता है तुम्हारा m नॉट इनटू रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इक्वेशन लिख लेना। इसमें जो m नॉट होता है वो तुम्हारा क्या होता है? रेस्ट मास। और ये बताए नॉर्मल मास जो होता है, रुक जाओ बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, पूछ रहे हो ना, बाकी फिर ज्यादा पूछना नहीं क्योंकि जो रिजल्ट्स है वो सारे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से निकल के आते हैं। जितनी भी चीज अभी पढ़ाने वाला हूँ वो हमारे लिए सिलेबस में नहीं, तो क्यों करना फालतू का टाइम जो है उसको पढ़ेंगे। फिर भी बता देता हूँ, देखो रेस्ट मास क्या होता है। जैसे तुम हो ना, जैसे ये है ना, इसका मास मान लो कितना 50 kg होगा, 40 kg कितना है, मान लेते हैं इसका मास है 50 kg ना, तो अभी ये मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे, तो मेरे रिस्पेक्ट में इसका मास अभी 50 kg है ना, ये रेस्ट मास होता है। जब कोई चीज हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट में तो उसका जो मास होता है उसको बोलते हैं रेस्ट मास। अब असलियत में तो हमने जानते, हमने पूरी काइनेमेटिक्स पढ़ ली, कोई चीज अगर मूव करती है कुछ भी करती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी रिलेटिव होती है, एक्सेलरेशन रिलेटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव होता है, ये सब चीजें फ्रेम के हिसाब से चेंज करती थी, पूरी काइनेमेटिक्स वगैरह में पढ़ा है ना, पर हमने कभी टाइम मास और लेंथ कभी चेंज नहीं करती। पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो आइंस्टाइन ने 1905 में पेपर पब्लिश करा था उसके हिसाब से जब आप मूव करने लगते हो ना तो आपका मास बढ़ जाता है, आपकी फ्रेम में टाइम स्लो हो जाता है, टाइम धीरे चलने लगता है ना, आपकी क्लॉक स्लो हो जाएगी, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक भी स्लो हो जाएगी, सब कुछ स्लो होने लगेगा ना, दूसरे की फ्रेम में, तुम्हारी फ्रेम में नहीं। जैसे तुम मान लो किसी रॉकेट में जा रहे हो तो मेरी फ्रेम में तुम्हारा मास बढ़ गया, समझ में आया, तुम्हारा टाइम स्लो हो गया है, जितने टाइम में मैं मान लो 10 साल जी लूंगा तुम्हारे से 5 साल ही निकलेंगे, ठीक है, और तुम्हारे रॉकेट की साइज कम हो जाएगी। तो सब कुछ रिलेटिव होता है एक्सेप्ट वन थिंग, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो पूरी फिजिक्स में अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो वो है स्पीड ऑफ लाइट, वो कभी चेंज नहीं करती। पढ़ के फिर हम ये रिलेटिविटी में जा रहे हैं, इतना नहीं जाना हमको, ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए रेस्ट मास बोलते हैं, तो रेस्ट मास समझ में आया। पर वो देखो, वो फर्क तभी पड़ेगा जब फ्रेम की स्पीड बी बहुत ज्यादा हो। सी पता है ना कितना होता है? 3 × 10^8, और हमारी नॉर्मल स्पीड क्या होगी? 2 m/s, 10 m/s, 100 m/s, 1000 m/s भी बहुत ज्यादा होता है, 1 सेकंड में 1 किलोमीटर, ये भी बहुत ज्यादा है भाई हम लोगों के हिसाब से, तो समझ रहे हो ना। अगर तुम 1000 m/s भी रख दोगे तो यहाँ पे आएगा 10^6 और यहाँ पे आएगा 10^16, तो ये वाला टर्म ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ना, ये वाला टर्म ऑलमोस्ट जीरो हो गया ना। तो नॉर्मल स्पीड्स पे ये वाला टर्म क्या हो जाता है तुम्हारा? जीरो, दिख रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि VC से बहुत छोटा है, तो m m नॉट के बराबर आ जाता है, इसलिए हम पूरी काइनेमेटिक्स में मानते थे m और m नॉट बराबर होते हैं, समझ में आ गया। अभी रेस्ट मास के लिए तुम्हारा, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन मत पूछो, मैंने रिलेटिविटी में जाना पड़ेगा बार बार, ठीक है। तो देख लो फोटोन में तुम, अब फोटोन पता है, फोटोन लाइट है, लाइट का मास कितना होता है? अगर मैं लाइट के लिए मास निकालने की कोशिश करूं, नॉर्मल मास है ना फॉर लाइट, तो m इक्वल टू क्या, m नॉट कितना है? जीरो, और स्पीड कितनी होती है? c, तो ये क्या आ गया? 0/0, नॉट डिफाइंड, तो मास डिफाइन नहीं कर सकते तुम फोटोन का, फोटोन के लिए मास डिफाइन नहीं होता, समझ में आया क्या? ऐसा मतलब इन्फिनिटी हो गया, वो 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है। चलो यहाँ पे आ जाओ ना, तो भाई इसका रेस्ट मास तो जीरो है। अब याद रखना फोटोन के केस में ना, लाइट के केस में मोमेंटम एम भी नहीं होता, ये किसके लिए होता है? ये नॉर्मल हमारी जो मासिव बॉडीज है वहां पे हम लगाएंगे ना, यहाँ पे नहीं लगाएंगे हमें। और एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², ये नॉर्मल चीजों के लिए होता है, लाइट के केस में नहीं होगा, मोमेंटम को मैं स्मॉल पी से डिनोट करूंगा। तो फोटोन्स के लिए हम क्या लिखेंगे? फोटोन्स के लिए ये दोनों इक्वेशन अलग हो जाती है, और अगेन ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से निकल के आती है। फोटोन के केस में मोमेंटम होता है hy λ, ठीक है, और फोटोन के केस में एनर्जी होती है hc y λ, ये दोनों चीजें याद रखनी है। और इन दोनों इक्वेशन से तुम दे सकते हो hy λ को क्या लिख सकते हैं? p, तो e इक्वल टू तुम p × c भी लिख सकते हो, ये सब याद होना चाहिए, या फिर p = e/c, ये सब इक्वेशन काम आती है। अब ये नई इक्वेशन याद रखनी है, फोटोन के केस में ये कुछ भी नहीं लगेगा, ये मत बोलना कि भाई उसका रेस्ट मास जीरो है तो फोटोन का मोमेंटम जीरो हो गया, फोटोन की एनर्जी जीरो हो गई, नहीं, फोटोन की पूरी अलग इक्वेशंस है, क्लासिकल फिजिक्स नहीं चलती यहाँ पे न्यूटन वाली, समझ में आ रहा है? उसकी रेंज के बाहर ही है, दिस इज बियॉन्ड न्यूटन जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे न्यूटन का कुछ भी नहीं लगेगा। तो याद रखना है फोटोन का मोमेंटम है hy λ। अच्छा एच तो पता है, एच पता है क्या होता है? वैसे केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, एच अपना है भाई प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है ना, इसकी वैल्यू बता सकता है कोई? हाँ, और सी है तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट, ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। सी की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 3 × 10^8 m/s, या फिर 300,000 km/s, ठीक है। एच की वैल्यू जल्दी बोलो, समथिंग अबाउट 6.6 × 10^-34 जूल सेकंड। अच्छा हाँ, फ्रीक्वेंसी नहीं बताया ना एक मिनट, ये वैसे पता है तुम्हें रिलेशन, पर न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी इक्वल टू न्यू लैम्डा भी होता है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो hc/λ, c/λ को न्यू भी लिख सकते हैं, h न्यू, सब ध्यान रखना है ना, सभी की बात है। अगर कहीं भी डाउट होना इनमें किसी में भी पूछ लेना मेरे से अभी। c इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, न्यू क्या है? अच्छा ये मीनिंग पता है? p मोमेंटम है, e एनर्जी है, λ वेवलेंथ है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, c स्पीड ऑफ लाइट है,
तो अपन ये वेव में पढ़ा है ना, v इक्वल टू न्यू लैम्डा होता ही है, इसकी स्पीड c है, c इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये याद रखना। तो h बाय लैम्डा न्यू बन गया। अच्छा देखो, h की वैल्यू और c की वैल्यू अलग अलग में मतलब नहीं, पर साथ में हमको याद रखना है ये चीज, याद रखना है h c कंबाइन करने पे, क्योंकि जब भी हमें पता है एनर्जी, हमें वेवलेंथ देंगे और एनर्जी निकालनी होगी तो h c की कंबाइंड वैल्यू चाहिए, तो इसको हम सीधा याद रख लेंगे। याद रखना एग्जाम में c की वैल्यू आएगी, h की वैल्यू आएगी, h c की वैल्यू तो नहीं आएगी ना, तो मैं मल्टीप्लाई करने का टाइम है तुम्हारे पास नहीं ना, तो h c की वैल्यू हम सीधे सीधे याद रखेंगे कितनी होती है, वो कितनी होती है बताओ, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, यूनिट भी ध्यान रखना 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, एससी के वैल्यू ध्यान रखेंगे हम, हमारे क्वेश्चंस आसान होंगे। बताओ यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट है? फोटोन में ये तो नहीं लगाओगे फिर कहोगे सर मोमेंटम जीरो हो गया, एनर्जी जीरो हो गई, ये तो नहीं लगाओगे? ये लगेगा फोटोन के केस में, क्लियर है क्या?